मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमारी है हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में शुरुआत में मैम ने आपको क्या सिखाया है? हिंदी में हम लोग गुड मॉर्निंग कैसे करते हैं? सुप्रभात बोलकर। कैसे करते हैं? सुप्रभात बोलकर। तो आज मैम आपको उसी से शुरुआत करेगी। तो सुप्रभात बच्चों, आज है हमारी हिंदी की क्लास, और आज हम लोग को सीखने हैं दो ऐसे व्यंजन जिनका जब हम लोग उन्हें बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तो दोनों का सेम आवाज आती है, जैसे श एंड स। ठीक है, श एंड श, यानी श से होता है क्या होता है? शहद होता है ना, श से शहद। और एक हम लोग पढ़ रहे हैं श, जो कि होता है षटकोण वाला श। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे इनसे शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श से शहद, श से शलगम। ठीक है, और उसके बाद में श से क्या होता है? एक एनिमल का नेम भी तो होता है, बताइए कौन सा एनिमल होता है? श से शेर, श से शेर। ठीक है, और देखिए मैम ने यहाँ पर दो पिक्चर्स भी बनाई हैं, तो ये चित्र बताइए किसके हैं? ये है श से शलगम और श से शहनाई। जब शादी वगैरह होती है, अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं घर पे, तो क्या बजती है? शहनाई, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें फाइव लाइन्स वाली अपनी नोटबुक निकालनी होगी। तो सभी बच्चे अपनी फाइव लाइन्स की नोटबुक निकाल लें, और उसके बाद हम लोग देखेंगे श से शलगम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें कहाँ से शुरुआत करनी होती है? हमारी सेकंड नंबर की लाइन से। तो जब हम लोग सेकंड नंबर वाली लाइन से शुरुआत करेंगे, तो आपको थर्ड नंबर की लाइन से क शेप को शुरू करना है इस तरीके से। ये देखिए मैम ने क्या किया, थर्ड नंबर की लाइन से क शेप को शुरू किया, और उसका नाम लेते हुए थर्ड लाइन पर हम वापस जाएंगे, एंड देन उसको हम लोग फोर्थ लाइन तक नीचे लेके जाएंगे ऐसे। तो ये कुछ कुछ कैसा लग रहा है? नंबर नाइन की तरह लग रहा है ना, समझ आया? और फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, इसके अंदर से एक राउंड लेके निकालना है, और एक कौन सी वाली लाइन कहलाती है? ये तिरछी लाइन हमें निकालनी है। कौन सी लाइन निकालनी है हमें? तिरछी लाइन निकालनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक सीधी लाइन खींचेंगे, और ऊपर सोती हुई सीधी लाइन। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जहां से हमने इसका शुरुआत किया है, आपको उसके आगे से ऊपर की सोती हुई लाइन बनानी है, इस राउंड के आगे से। समझ आया? इस राउंड के आगे से आप लोगों को सोती हुई लाइन बनानी है। ठीक है, समझ आया? चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हमने शुरू किया ये राउंड, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहां से राउंड लेके एक तिरछी लाइन बनाई, उसके बाद में हमने एक सीधी रेखा बनाई, और फिर हमने एक सोती हुई सीधी रेखा बनाई, और ये बना हमारा श से शहनाई, श से शहद, श से शलगम। समझ आया आपको? तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर लिखने का अभ्यास करेंगे। समझ आया आपको? चलिए हमारा अगला स्वर क्या, अगला व्यंजन क्या है? श से षटकोण। क्या बनाना है हमें? श से षटकोण बनाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वो भी बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो मैम ने यहाँ पे इरेज कर दिया है, और फिर से हम हमारी फाइव लाइन की यहाँ पर क्या बनाएंगे? नोटबुक बनाएंगे, या हमारा फाइव लाइन का एक पेज तैयार करेंगे। ठीक है, समझ आया? अब हमें क्या करना, आप सभी बच्चों ने प से पतंग बनाया था, बनाया था ना हमने? प से पतंग, प से परी बनाया था। तो अब हमारे को सबसे पहले श से षटकोण बनाने के लिए प से पतंग बनानी है, तो वो तो मैम आपको सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है ना, हमने सीधी लाइन बनाई और थर्ड लाइन से इसको टर्न कर दिया, और सोती हुई लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया, बना दिया, और फिर उसके बाद में एक सीधी रेखा बनाई। तो ये बना था हमारा प से पतंग, बन गया प से पतंग नंबर फोर की तरह। अब आपको इसमें एक तिरछी रेखा और बनानी है ऐसे,
तो ये बन जाएगा श से षटकोण और ऊपर सोती हुई सीधी रेखा। बनी, समझ आया आपको? ओके, तो चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं प से पतंग और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर बनाएंगे तिरछी रेखा और ये बनेगा हमारा श से षटकोण। समझ आया? श से षटकोण से बहुत ज्यादा शब्द नहीं होते हैं, बहुत ही कम शब्द होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे शब्दों में पीछे लगता है और उससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे वर्षा, भाषा, है ना। तो इस तरीके से ये शब्द किसी भी व्यंजन के पीछे सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन इससे खुद से बहुत कम शब्द बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श से सरगम से और कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें बुक में आज क्या करना है। ओके, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे व्यंजन श से बनने वाले शब्द। क्या देखेंगे हम लोग? व्यंजन श से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला शब्द देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला शब्द है श से शंकर। श से शंकर, शंकर कौन है? हमारे भगवान, है ना। तो श से होते हैं शंकर। और देखें कौन कौन से शब्द बनते हैं श से। श से ये क्या है? शहद। श से शहद, अच्छा अच्छा होता है ना, श से शहद। तो श से हमने पढ़ा शंकर एंड श से शहद। और देखते हैं श से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ये क्या है? श से शहतूत, ये एक फल का नाम है। श से शहतूत, और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। श से शलगम या शलजम, और शलगम क्या होती है? एक सब्जी होती है। और देखते हैं श से बनता है शरबत। श से शरबत, क्या होता है? श से शरबत। श से शीशा, श से शीशा, और शीशे का यूज हम लोग डेली करते हैं ना अपने आप को देखने के लिए। और शीशे का यूज कहाँ होता है? कार में लगा हुआ होता है ना। श से शेर, श से शेर, और शेर कौन है? जंगल का राजा होता है शेर। श से शिक्षक, शिक्षक मतलब हमारे टीचर, जैसे कि मैम आपकी टीचर है ना, तो हिंदी में टीचर को क्या कहते हैं? शिक्षक। तो श से शिक्षक। श से होती है शाखा। ये देखिए जो पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, उन्हें हम लोग हिंदी में शाखा कहते हैं। तो ये देखिए इस पेड़ की कितनी सारी शाखाएं हैं। और शाखाओं से और भी अनेक शाखाएं निकलती हैं। तो समझ आया आप लोगों को श व्यंजन? सभी बच्चों को समझ आया श व्यंजन? ओके, तो अभी हमने देखा श, अब हम लोग देखते हैं श से षटकोण वाले से और कोई शब्द बनते हैं क्या। चलिए देखते हैं। अभी अभी ये मैम ने आपको बताया था कि इससे खुद से शब्द कम बनते हैं, लेकिन ये बहुत सारे शब्दों में पीछे की तरफ यूज होता है, जैसे वर्षा, दोष, भाषा, हर्ष, भाषण, विशेष और घोषणा। तो ये क्या है? हम इसको शब्दों के पीछे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इससे बनने वाले शब्द हैं श से षटकोण। स से षटकोण, क्या होता है? श से षटकोण। श से होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र, किसी से धोखा देना षड्यंत्र का मतलब होता है।
और हमें इस तरीके से किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, है ना? स से षष्ठी, यानी इसको हम लोग सिक्स भी बोलते हैं। और हम लोग 16 को हिंदी में शॉर्टकट भी बोलते हैं, ठीक है? अब आपने देखे श से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, समझ आए आपको? ओके, तो अब हम लोग सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और देखेंगे हमें बुक के अंदर क्या करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक के पेज नंबर 56 पर सभी बच्चे आ जाइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ अपना स्टिकर पेस्ट करेंगे। श से शहद बड़ा गुणकारी, शौक से खाती दुनिया सारी। श से शहद बड़ा गुणकारी, शौक से खाती दुनिया सारी। तो श से होता है शतरंज, शहद, शरबत, शहनाई। यहाँ आप करेंगे श बनाने का अभ्यास। श वर्ण के नीचे रेखा लगाओ। तो आप यहाँ पे देखिए क ल श, श है यहाँ पर, तो इसके नीचे आपको क्या करनी है, रेखा यानी कि एक लाइन खींचनी है। शेर, इसी तरीके से श के नीचे आपको यहाँ लाइन खींचनी है। किशमिश, श श, तो इन दोनों श के नीचे आपको लाइन बनानी है। तो समझ आ गया आपको क्या करना है। आप ये देखिए, श से षटकोण है में छह है कोण, गिनती करो बैठो मत मौन। यानी कि इसकी गिनती करो, मौन का मतलब होता है चुप, नहीं बैठना है। तो अभी मैम ने आपको बताया था श से होता है षटकोण, और नंबर 6 को हम लोग बोलते हैं षष्ठ। क्या बोलते हैं? षष्ठ। यहाँ आप लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे श से षटकोण बनाने का। नाम पूरा करो तथा रंग भरो। आपको ये डॉट डॉट दिए हैं, इनको आपको ट्रेस करना है और इनको कंप्लीट करके इन दोनों में कलर भरना है, ठीक है? सो ये आज आपका क्लास वर्क का काम रहेगा। एक आपको करना है नोटबुक के अंदर श और श लिखने का अभ्यास, और उसके बाद में ये बुक का काम करना है, ठीक है? समझ आया? और उसके बाद में आप लोग अपनी सुलेख पुस्तिका में होमवर्क करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू किड्स एंड हैव अ नाइस डे।